दोस्तों तुसी देख रहे हो तुहाडा अपना पंजाबी चैनल ते मैं विनोद मेहता तुहाडा इस चैनल ते स्वागत करदा। अज असी तुहानूं फिरोजपुर जिले की एक विलक्षण शख्सियत नाल मिलाउण जा रहे हैं जो कि सूबे की सियासत विच अपनी एक अलग पहचान रखते हैं ते अपना एक अलग रुतबा भी रखते हैं, जिन्हां दा नाम आउंदे ही वड्डे वड्डे राजनीतिक लोकां दे पसीने छुट्टण लगदे हैं। आओ गलबात करते हैं फिरोजपुर तो 2009 तो 2014 तक श्रोमणी अकाली दल की टिकट तो चोन लड़ के लोग सभा के मैंबर रहे शेर सिंह घुबाया नाल, जो कि 2019 अकाली दल नालों तोड़ विछोड़ा करके कांग्रेस पार्टी नाल जुड़ गए सन। 2017 में ही अपने पुत्र दविंदर घुबाया नूं फाजिलका विधानसभा हल्के तो टिकट दवा के जिताउण विच कामयाब होए सन। पिछे जे ताज़ा ताज़ा घटनाक्रम पंजाब अंदर वापरिया इहदे बारे साढ़े दर्शकों नूं थोड़ा जिहा चानण दिओ। देखो पंजाब दे जिहड़े लोग सी सारे ओह सरकार तो दुखी नहीं सीगे, वो इस गल तो दुखी सीगे सानू कोई उत्थे जिहड़ा प्रोपर सिस्टम है उत्थों सानू कोई लाभ नहीं पहुँचता, साढ़े काम नहीं होंगे, खास करके कैप्टन साहब के कि वह मिलते ही किसी को नहीं, तो साढ़े चार साल जिहड़ा इंसान किसी को मिले ही नहीं मुख्यमंत्री होने जी ड्यूटियां है वो सही तरीके उन्हें निभाइया ही नहीं, तो फिर लोगों ने तो ये इस तरह का ही माहौल पैदा हो गया कि जे कैप्टन रहेगा तो फिर पंजाब कांग्रेस पार्टी सरकार जी है वो कांग्रेस ही खत्म हो जाएगी, जिस करके सारे लीडर ने हाईकमान को जाके इस गल का गिला किया, कोशिश की कि इसनों किसी तरीके दो साल तो लगे हुए थे पर कोई सुधार नहीं, उल्टा जिहड़ा कोई बोलता से उन्होंने दबाया जाता है, तो फिर जो कांग्रेस पार्टी का जो सच्चा सफाई तो ही है जो कांग्रेस पार्टी की फेवर गल काम करेगा, इस करके सारे ने ये फैसला लिया कि जो कैप्टन की अगुवाई में सरकार पंजाब इलेक्शन लड़ा जाएगा तो फिर पंजाब कांग्रेस की सरकार नहीं आनी, तो जे इन्हों हटा के किसी होर काबिल इंसान बनाता जाता तो फिर कांग्रेस सरकार पंजाब बहुत वधिया अगली जी सरकार रिपीट होगी। साढ़े चार साल इस फैसले नूं लेट क्यों किया गया, क्योंकि ये जग जानन पहला ही चानन सी कोई कैप्टन साहब नहीं मिलते। नहीं देखो हाई कमांड की जी पंजाब के चंगी स्थिति कांग्रेस की सरकार बनी, 2022 विधानसभा चोणां आ रही हैं, कैप्टन खेमा कांग्रेस का किन्ना कु नुकसान कर सकता? कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता, उल्टा जिहड़ा ये किसी की विरोधता करनगे तो लोग जिहड़े सारे दुखी ने वह उल्टा फिर कांग्रेस नाल आणगे, ये विरोधता करके तो सानू फायदा होगा। एक उदाहरण है जो मैं दसा सरदार जोरा सिंह मान ने एमपी साहब की चलावत करके की खटिया 45,000 वोटर में दी, बहुत वधिया गल है। एक दसो भी चरणजीत सिंह चन्नी दे उत्ते कांग्रेस ने दाग खेडिया कि ये सैकुलरिज्म की राजनीति तो नहीं है? नहीं देखो लोग जी गल है पार्टिया के थोड़ी बहुत खिचोतान होंगी है, चरणजीत चन्नी एक साफ तो बेदाग इंसान से, इस करके उन्होंने सारे ने वे मोहर लाई के चरणजीत चन्नी जरा सही मिनिस्टर है सही इन्हें सीएमशिप करेगा और कर भी रहा, दो इन्ने थोड़े टाइम के किन्ने वे वे फैसले किए हैं, तो कैप्टन साहब ने तो चार साढ़े चार साल बता दे उदो नहीं हो सके इसलिए करते इन धर्म तो जाति की राजनीति न जोड़ के बाकी पार्टियां देख रही। नहीं कोई धर्म जाति का कोई मतलब नहीं, जो धर्म जाति के आधार से होंगे तो फिर तो ऐसी कैटागरी अज तक कदे पंजाब सीएमशिप मिलन की दूर की गल डिप्टी सीएमशिप नहीं मिली, तो कांग्रेस पार्टी ने इस कम्यूनिटी के नाल ऐसी भाईचारे का न्याय किया कि इन्हों भी ऐसी आप लैके चल, इस करके बरादरीवाद या उस तरह की कोई मतलब नहीं है, यह तो बिल्कुल सही सही टाइम पर सही जी है 32% पंजाब इंडिया सब तो बाद जी अब पापूलेशन पंजाब ऐसी कैटागरी की कि 32% लोगों जो पहला कांग्रेस के नाल है ही है ये जब ये भी नाल आएंगे तो फिर ऑटोमैटिक पंजाब कांग्रेस की सरकार आई है। पंजाब मंत्रिमंडल का विस्तार अजक होने वाला शायद हो गया कुछ घंटे हो गया तो ये उम्मीद करते हैं भी अपने दविंदर घुबाया जी ने भी कोई नुमाइंदगी मिलेगी पंजाब सरकार? असी तो हाईकमांड रिक्वेस्ट ही कर सकते की है जो उन्होंने जो सही लगेगा असी खुश हैं जो देने तो बड़ी वधिया गल है, उन्होंने भी कैबिनेट मिनिस्टर जो 2 बार 10 साल लगातार है उन्होंने रहा है कि फिर यंगैसट है पंजाब की इंडिया के सब तो घट उम्र का एम एल ए जोड़ा है वो जोगिंदर सिंह घुबाया है, जो देखे तभी वधिया नहीं तो असं खुश हैं साढ़े ना कोई मतलब।
फिर भी की उम्मीद करते हो कि कहड़ा महकमा मिल सकता है? मिनिस्ट्री मिल जाए महकमे तो बाद की गल है, जो भी मिल जाए वही सब। उम्मीद कर सकते हैं कि अगलिया 2022 दी चोणां भी नेड़े ने, दविंदर कवाया जी फाजिलका तो पक्के कैंडीडेट हैं कांग्रेस के? बिल्कुल 100% दविंदर कवाया फाजिलका तो ही इलेक्शन। असी दविंदर कवाया जी नूं 4 साल 4.5 साल पहला भी जानते सी, अज भी जानते हैं। अज का दविंदर कवाया तो 4 साल 4.5 साल पहला दविंदर कवाया च बहुत अंतर आया, तुसीं की ऐसी रणनीति उन्होंने सिखाई? नहीं मैं तो देखो रणनीति तो आप MLA है तुखमी तहसील हुंदा है, वो आम काबिल है, वो पढ़िया लिखिया है, उन्होंने मेरे तो ज़्यादा पता होगा, अपने तरीके चल रहा है। मेरी ये फाजिलका तुसीं देखा कि कोई इंटरफेरेंस मैं ज़्यादातर नहीं करता, पर जदों कितें कोई ज़्यादा सिर तो पानी लंघदा है तो फिर उत्थे मैनू करना पैंदा, वरना मैं उन्हें कह के फ्रीली अपना काम जिहड़ा फाजिलका दी डिवेलपमेंट लोगों नूं मिलना लोगों के काम कार जिहड़े तो अपने तरीके नाल करी जो कर। चलो ये तो गल्लां सन साडियां पंजाब बारे, एक सिर्फ आखिरी सवाल तुहाडे बारे, 2024 दीआं जिहड़ियां लोक सभा चोणां है उहदे वास्ते की तैयारी है? देखो पार्टी जो हुक्म करेगी उहदे ते फुल चढ़ावांगे, जिहनूं जो भी पार्लीमेंट इलेक्शन लड़न वास्ते 22-24 दी चोणां है उहदे वास्ते फिरोजपुर पार्लीमेंट हलका जिहड़ा है पंजाब दे विचों मैनूं लगदा है कि इस तो बाद पार्लीमेंट दीआं 13 दे 13 सीटें कांग्रेस लैगी, क्योंकि BJP अकाली दल लग रहे और आपसी लड़ाई है, आपसी लड़ाई है तो कांग्रेस पार्टी के सारे वर्कर जे इकट्ठे है पार्लीमेंट दी जी सीटें सारियों की सारी दी। केंद्रीय लीडरशिप जी कांग्रेस की काफ़ी कमज़ोर बनी जा रही है, तो कि BJP के सामने केंद्रीय लीडरशिप टिक पाएगी? 13 सीटा सिर्फ पंजाब नूं मंड के तो चल, देखो पंजाब नहीं पूरे देश की गल करी, पार्लीमेंट तो पूरे देश की गल है, आ 24 पता लग जाएगा कि कौन किन्ने पानी विच है, जिस तरह नाल उन्होंने इलेक्शन सरकार बनाई है वो सारे पता है, EVM मेहरबानी EVM की मेहरबानी हुई है, वो अगली बारी जरा सिस्टम सही होगा। 2019 लगता है तो भी EVM के राही ही BJP सरकार जित सकी? नहीं 2022 स्टेट में तो कोई रोला ही मतलब नहीं गा, कांग्रेस की सरकार आनी होनी है तो 24 की गल ही करते, पार्लीमेंट की जित लैके चले, इतों सरकार बनेगी बाकी स्टेटा में सरकार बने